कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो। तो हेलो एडिटर्स, तो मैं आ चुका हूँ वापस एक और तगड़ी वीडियो के साथ। तो आज की इस वाली वीडियो पर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर एक पेज है लिरी क्लिक ऐसा कुछ नाम का, तो वो भाई अपनी जो वीडियो के अंदर जो सीसी यूज करते हैं वो आज आप मैं सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, आपको भी वो आ जाएगी। और ये जो सीसी है उसकी आपको प्रीसेट चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, उसके बाद आपको पासवर्ड मिल जाएगा तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाजू वाले जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कलर ग्रेडिएंट करने के लिए अलग मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पर टैप करना है ना, यहाँ पर आपको 9:60 वाला रेशियो लेके क्रिएटर प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसको यहाँ पर आपको ब्लैक कर लेना है। यहाँ पर आपको क्रिएटर प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको मीडिया पर चले जाना है, यहाँ पर आपकी जो क्लिप है उसको ले लेना है। तो मेरी मैं क्लिप ले लेता हूँ जो कि विदाउट एडिटिंग वाली है वो, तो मेरी क्लिप ये रही। तो यहाँ पर आपको कलर ग्रेडिएंट करने के लिए प्लस वाले आइकन पर टैप करना है सबसे पहले। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल को ले लेना है। तो रेक्टेंगल को लेने के बाद यहाँ पर आपको इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्लेंडिंग कैपेसिटी पर जाना है। यहाँ पर आपको ये जो है इसकी कैपेसिटी को यहाँ पर आपको 60% कर लेना है। 60% करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कॉन्ट्रास्ट पर आना है, यानी यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट लाइट के ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे ही आप सॉफ्ट लाइट के ऊपर टैप करोगे तो आपका ये जो है कलर वो चला गया, पीछे वाला जो रेक्टेंगल था वो। उसके बाद यहाँ पर आपको अब यहाँ पर आपको इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे अदर वाले ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ पर आपको कॉपी बैकग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको कलर एंड लाइट्स पर चले जाना है, यहाँ पर आपको नीचे सेचुरेशन एंड वाइब्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप करना है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको इसका जो सेचुरेशन है यहाँ पर आपको इसको 34% आपको कर लेना है। अपनी जो क्लिप है इसके हिसाब से आप देख लेना, मेरा यहाँ पर 34% सही से आ रहा था तो मैंने यहाँ पर 34% रखा था। यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, यहाँ पर आपको फिर से एक बार कलर एंड लाइट्स पर टैप करना है। यहाँ पर आपको ऊपर एक्सप्लेन गामा वाला इफेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको ओपन करना है, यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लोर एक्सप्लोर को यहाँ पर आपको 0.65 आपको कर लेना है। देखो यहाँ पर आपको इतना कर लेना है, आप अपनी क्लिप के हिसाब से कर लेना है। यहाँ पर मेरी क्लिप है तो मैं यहाँ पर इतना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये जो गामा है इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 1100 1200 के आसपास आपको कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से देख लेना है। यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको है, इसके बाद आपका जो है पहला जो रेक्टेंगल है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पर आपको ये सेकंड वाला जो रेक्टेंगल है इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको इसको भी फिल स्क्रीन कर लेना है। यहाँ पर भी आपको इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको नीचे अदर वाले ऑप्शन पर आ जाना है, यहाँ पर आपको कॉपी बैकग्राउंड मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है, यहाँ पर आपको ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको कलर एंड लाइट्स पर जाना है, यहाँ पर भी आपको सिचुएशन ले लेना है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप करना है, सिचुएशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको इस बार जो सिचुएशन है यहाँ पर आपको पूरी माइनस में कर लेनी है। माइनस में करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, यहाँ पर आपको कलर एंड लाइट्स पर टैप करना है। यहाँ पर आपको ये इन्वेस्ट ऐसा कुछ इफेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप कर देना है, उसको ऐसा का ऐसा रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो है एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, यहाँ पर आपको कलर लाइट्स पर टैप करना है। यहाँ पर आपको ऊपर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इसके जो ब्राइटनेस है इसको यहाँ पर आपको माइनस में 40% कर लेने, जो मेरी क्लिप है मैंने उसके हिसाब से की है। एंड यहाँ पर आपको ये कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर आपको 100 कर लेना है। आप अपनी जो क्लिप है इसके हिसाब से देख लेना है, यहाँ पर मैंने इतना रखा था। यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, यहाँ पर आपको ब्लर के ऊपर टैप करना है, यहाँ पर आपको एक ग्लेशियन ब्लर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको इस जो ग्लेशियन ब्लर है यहाँ पर आपको 0.450 तक आपको कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मेरी जो क्लिप है मैंने इसके हिसाब से रखा था, तो आप भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखो इतने मैंने किया था, तो यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ,
यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको ये जो है ब्लर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको शार्प पेन मिल जाएगा, तो शार्प पेन पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इसकी जो थिकनेस है, यहाँ पर आपको इसके यहाँ पर आपको 0.60 आपको कर लेना है। आप अपनी वीडियो के हिसाब से देख लेना, यहाँ पर मैंने 60 कर लेना। यहाँ पर आपको जो रेडियस है, रेडियस को यहाँ पर आपको 10% पूरा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बैक आना है, क्लीनिंग कैपेसिटी में जाना है। यहाँ पर आपकी जो इसकी जो कैपेसिटी है, यहाँ पर आपको पूरी कम कर लेनी है अपने हिसाब से। देखो मैं यहाँ पर 30 रख रहा था, देखो मैंने इतनी कर ली। यानी यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट पर चले जाना है। यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट ओवरले मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये वाले जो है इसको कर लेना है। इसको करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक और रेक्टेंगल को लेना है। यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल को लेना है, इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर भी आपको सेम काम करना है। यहाँ पर आपको इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको अदर वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपको कॉपी बैकग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप करना है, आपको बैक आ जाना है, एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको कलर एंड लाइट्स पर चले जाना है। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नाम का जो इफेक्ट मिलता है, स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और बार एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको इस बार ब्लर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आपको ग्लेशियर ब्लर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको इस बार जो है जो इसकी ट्रेंड है, इसको यहाँ पर आपको 0.460 तक आपको रख लेना है। मैं यहाँ पर करता हूँ, तब तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। यहाँ पर आपको इतना करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्लिंगिंग कैपेसिटी पर टैप करना है। यहाँ पर आपको इसकी कैपेसिटी को यहाँ पर आपको डिक्रीज कर लेना है। मैंने 55 रखी थी। एंड यहाँ पर आपको ये जो है कॉन्ट्रास्ट के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट लाइट आपको कर देना है। सॉफ्ट लाइट करने के बाद आप देख लो कि इसकी कैपेसिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर 55 रखी थी। मैंने यहाँ पर, चलो मैं आपको 50 रख के दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 50 रखी। यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और रेक्टेंगल को ऐड करना है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के, सॉरी, यहाँ पर आपको इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। तो फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको कॉपी बैकग्राउंड वाला ऑप्शन ले लेना है। यहाँ पर आपको एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको ग्लेशियर ब्लर वाला जो इफेक्ट है उसको ले लेना है। यहाँ पर आपको ग्लेशियर ब्लर पर टैप करना है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको इसकी जो है, यहाँ पर आपको इसको फुल 200% आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, ब्लिंगिंग कैपेसिटी पर टैप करना है। एंड यहाँ पर आपको नीचे डिफरेंसेस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको इसको सबट्रैक्ट कर लेना है। सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी इसकी जो ओपासिटी है, ओपासिटी को ही आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 45 के आसपास रखी थी, तो मैं यहाँ पर 45 रख रहा हूँ। आप चाहे तो थोड़ी सी इसको कम भी कर सकते हो, पर यहाँ पर मेरी जो क्लिप है उसके ऊपर 45 अच्छी लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने 45 कर ली। यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक और रेक्टेंगल को ले लेना। रेक्टेंगल को लेने के बाद यहाँ पर आपको इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। देखो फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर आपको कलर एंड फिल में जाने जाना है। यहाँ पर आपको व्हाइट कलर ले लेना है। व्हाइट कलर लेने के बाद यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग कैपेसिटी पर टैप करना है। यहाँ पर आपको इसकी जो है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको इसको ओवरले कर लेना है। ओवरले करने के बाद आप देखो कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ग्लो हो गया, तो यहाँ पर आपको इसकी कैपेसिटी को थोड़ी सी कम कर लेनी है। मैंने यहाँ पर 90 या 85 तक रखी थी शायद से, चलो तो मैं यहाँ पर 90 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सभी के सभी जो रेक्टेंगल है, इसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जितना भी वीडियो है उतने तक आपको एंड तक चले जाना है। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, यहाँ पर आपको पूरा एंड तक ले लेना है। एंड तक लेने के बाद आप देख लो, मेरा जो है वीडियो है वो अभी चलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लैग हो रहा है फ़ोन। तो देखो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग पर प्रीव्यू देख लिया होगा, तो आपको फुल प्रीव्यू देखना है तो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो देखो कि यही थी आज की जो कलर ग्रेडिएंट थी, वो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ से आपको वीडियो को सेव कर लेना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।